गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग नंबर सिस्टम्स, जो सिंगुलर टू प्लुरल कैसे फॉर्म किया जाता है, सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाना है, जैसे हिंदी में एक वचन से बहुवचन को कैसे हम लोग करते हैं, बहुवचन में किस तरह से हम चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में आज एक छोटा सा वीडियो हम सभी बच्चों के द्वारा आज रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सचिन जी, आप मुझे ये दिखाइए, फ्लावर दिखाइए, अपने हाथ में पकड़ करके उसे दिखाइए। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप जो हाथ में पकड़े हुए हैं, जोर से बोलिए, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो इसको जब हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉलोअर से फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स जब हो जाएगा तो आपके क्या होगा, फॉलोअर्स, नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो बाकी सब फॉलोअर्स को दिखाइए, ठीक है। ये आपका प्लूरल फॉर्म में हो गया। एक हाथ में सिंगुलर में दिखाइए, जैसे ये हाथ में ये आपका क्या हो गया, ये राइट हैंड में मैं जो दिखा रहा हूँ ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, और जो मैं लेफ्ट हैंड में दिखा रहा हूँ ये प्लूरल फॉर्म में है, माने एक से अधिक है, मोर देन वन, ठीक है। जब एक से कोई भी चीज़ ज़्यादा दिखाया जाता है तो प्लूरल फॉर्म होता है, और जब एक ही चीज़ को दिखाया जाता है तो सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। हाँ, चलिए पकड़िए। राजकुमार जी, मुझे जो है ना सिंगुलर फॉर्म में बॉक्स दिखाइए। ये कितने नंबर ऑफ बॉक्स है? वन। आज जब इसको हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉक्स से क्या बनेगा, प्लूरल बनाने से बॉक्सेस। तो आपके हाथ में फिर एक बॉक्सेस बॉक्स रहेगा कि ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा। तो दिखाइए बॉक्सेस। हाँ, तो ये आपका हो गया, जोर से बोलिए, बॉक्सेस। जब हम एक वचन में आपके बाएं हाथ में जो दिखा रहे हैं वो आपका बॉक्स है, और आपके दाएं हाथ में जो आप दिखा रहे हैं वो क्या, बॉक्सेस है, ठीक है, है ना, ठीक है। चलिए रखिए, चलिए आप आइए, अकमल जी आइए, आप ये दिखाइए, लीफ दिखाइए, लीफ। तो ये एक है कि ज़्यादा है? एक है। तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। जब कोई भी चीज़ एक रूप में एक ही हमको दिखाई पड़ता है तो वो हमारा होता है सिंगुलर फॉर्म में होता है, और जब एक से ज़्यादा हो जाए तो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो लिप का प्लूरल क्या होगा? लिप्स होगा। तो दिखाइए लिप्स। हाँ, ये आपका लिप्स हो गया, वेरी गुड। चलिए रखिए, आप आइए राजकुमार। हाँ, आप प्लूरल फॉर्म में, पेन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? हाँ, पेंस, पेंसेस नहीं, पेंस, ठीक है। तो पेन का प्लूरल फॉर्म में मुझे शो कीजिए, दिखाइए, वेरी गुड। तो ये एक है कि ज़्यादा है? मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है। तो ये आपको प्लूरल फॉर्म में दिखाया जा रहा है, ठीक है। पेन से पेंस, ठीक है, वेरी गुड। रखिए, अब मुझे बुक दिखाइए, आप आइए। ये सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में, आप जो पकड़े हुए? प्लूरल, जोर से बोलिए, प्लूरल, ठीक है। तो अब इसका सिंगुलर फॉर्म हमको दिखाइए, बाकी रख दीजिए। हाँ, तो ये क्या हो गया, बुक्स है। ये बुक्स है कि बुक है? बुक है। जब हमारे यूनिट एक रहेगा, सिर्फ एक ही दिखलाई पड़ेगा तो आपका बुक हो गया, और जब एक से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुक्स। सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए जो नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है, जैसे इन जनरल में हम लोग किसी भी वर्ड्स को किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्ड नेम में एस जोड़ करके हम लोग प्लूरल फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे बॉक्स में हम लोग क्या जोड़े थे, क्या ऐड किए थे, ई एस ना, हाँ। तो एज अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल, प्लूरल फॉर्म बी ओ एक्स का बॉक्स का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए बॉक्सेस, बॉक्स के साथ ई एस जोड़ करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग सिंगुलर टू प्लूरल की, सिंगुलर में एक होता है और प्लूरल में बहुत सारा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सभी बच्चे को।
अब भी बोलिए।